बात है 1983 की, जब अपने देश की हीरो साइकिल और जापान की होंडा की पार्टनरशिप हुई और उसके कुछ साल में उन्होंने इंडिया में सबसे पहली बाइक लॉन्च करी। इंडिया के अंदर हीरो होंडा CD100, हाँ जी वही बाइक जिसने इंडिया में एक इतिहास ही बना दिया। और आज इस वीडियो में हम उसी बाइक की बात करने वाले हैं और जानेंगे उसकी एंटायर सीडी सीरीज के बारे में हमारी इस वीडियो ऑल यू नीड टू नो अबाउट सीरीज में। उसकी हिस्ट्री और इवोल्यूशन को भी जानेंगे। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप में से ऐसे 90% लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा नहीं है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे अच्छा फील होता है। अगर हम बात करें 80s के इंडियन रोड्स की, तो उस वक्त एक बिल्कुल ही डिफरेंट इंडिया हुआ करता था। 80s के टाइम में इंडिया में रूल करने वाले काफी टू व्हीलर थे और उनमें से जितने भी बाइक्स और स्कूटर थे वो सब टू स्ट्रोक इंजन वाले टू व्हीलर्स थे। बाइक्स जैसे यामाहा RX100, कावासाकी बजाज RTZ और आइकॉनिक यामाहा RD350 और यजदी जैसी बाइक ही उस वक्त रोड्स पर दिखती थी। और उस वक्त पर ही हमारा बजाज का 150cc स्कूटर हर एक फैमिली की चॉइस हुआ करता था। और ये सब बाइक्स काफी मजेदार भी हुआ करती थी राइड करने के लिए, और ये वाकई में काफी कैपेबल थी और अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिया करती थी। बट इनमें सिर्फ एक कमी थी, इनकी फ्यूल एफिशिएंसी, और उस वक्त इस चीज की हमारे देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो फिर आई हीरो होंडा, जिसने इस कमी को बखूबी समझा और उन्होंने लॉन्च करी अपनी सबसे पहली आइकॉनिक बाइक हीरो होंडा CD100। CD100 एक बहुत ही साधारण सी मोटरसाइकिल थी। इसमें आपको काफी सिंपल डिजाइन देखने को मिलता था, जिसमें क्रोम के मेटल मडगार्ड्स थे और रेक्टेंगुलर हेडलैम्प, साथ में बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट पैनल। और इसकी लार्ज सीट इतनी बड़ी थी कि उसमें 3 लोग भी आराम से बैठ जाते। लेकिन वो चीज जिसने CD100 को दूसरी बाइक से अलग बनाया वो था इसका इंजन। हाँ जी, इंडिया का सबसे पहला 4-स्ट्रोक इंजन जो 7.5 BHP एंड 7.2 Nm की टॉर्क निकालता था, जिसमें 4-स्पीड गियरबॉक्स था। और इस इंजन के साथ ये 81.7 किलोमीटर की माइलेज निकाल देती थी। साथ में इसकी टॉप स्पीड थी 87 किलोमीटर पर आवर की। और इस इंजन की ये सब खासियत तो थी ही, पर ये हीरो साइकिल्स के लिए होंडा की तरफ से एक सौगात से कम नहीं था, क्योंकि ये इंजन इतना रिलायबल इंजन था कि लोगों के एग्जाम्पल है इतिहास में कि इस इंजन के साथ बाइक का फ्रेम गल के सड़के गिर गया, यानी कि बाइक 2 टुकड़ों में गिर गई, लेकिन इस इंजन को कुछ नहीं हुआ। बल्कि उसी इंजन को बाइक के खत्म होने के बाद बोट्स यानी छोटी नाव को पावर देने के लिए इस्तेमाल तक का करा गया था। और इस इंजन ने ही इंडियन जनता को वो बोलना स्टार्ट करा दिया कितना देती है। हाँ, इसकी माइलेज ने इसको एक अलग पहचान दी और इसको मार्केट में कोई और बाइक फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से बीट भी नहीं कर सकती थी। और इसी कारण कंपनी ने भी इसकी एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह ही करना स्टार्ट कर दिया, जैसे CD100 की फेमस टैगलाइन फिल इट शट इट फॉरगेट इट, जिसने सही जगह निशाना लगाया ऑडियंस में। और क्या आपको पता है, अपने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने भी इस बाइक की एडवर्टाइजमेंट की थी। अब हेटर्स कहेंगे कि इस बाइक को फेमस सलमान भाई ने करा है, तो मैं आपको बता दूं कि सलमान भाई ने ये एड मूवीज में आने से पहले करी थी, यानी कि बॉलीवुड में उनका करियर स्टार्ट भी नहीं हुआ था उससे पहले की ये एड है। क्योंकि सलमान भाई की मूवी जो है, फर्स्ट मूवी वो है बीवी हो तो ऐसी, जो 1988 में आई, बल्कि उससे पहले की ये हीरो होंडा CD100 की एड है। अब आते हैं फिर से बाइक पर। 80 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देना उस वक्त किसी बाइक का काले जादू से कम नहीं होता था। और ये वो बाइक बनी इंडिया की जो कि आम कॉमन पीपल का ट्रांसपोर्ट बना। और एक टाइम ऐसा था कि जब हर बंदे के पास सिर्फ यही बाइक हुआ करती थी। बाकी हीरो होंडा ने फोकस भी मेनली माइलेज की तरफ ही करा था, जिसकी वजह से CD100 स्टैंड आउट हुई। वरना इसके जो राइवल्स थे वो परफॉर्मेंस में क्यों हुआ करते थे, जैसे यामाहा की 2-स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स RX100 और RD350 और कावासाकी बजाज की RTZ। लेकिन इंडिया को उस वक्त परफॉर्मेंस से ज्यादा माइलेज और रिलायबल बाइक की जरूरत थी, जिसे आप फुल टैंक कराने के बाद दूर तक का डिस्टेंस कवर कर सकते थे। और हीरो होंडा की सबसे पहली बाइक CD100 सक्सेस कर गई, तो इन्होंने लॉन्च करी अपनी सेकेंड बाइक हीरो होंडा स्ली 1989 में, जिसका डिजाइन एकदम यूनिक था। और डिजाइन के साथ साथ जो इसकी खासियत थी वो था इसका वेट। हाँ जी, सिर्फ इसका वेट 100 किलोग्राम का था। इसमें वही इंजन यूज करा गया था CD100 वाला। इसके बाद 1991 में हीरो होंडा ने लॉन्च करी अपनी अपग्रेडेड न्यू CD100 SS, और उसी सेम ईयर में कंपनी ने 500,000 यूनिट प्रोड्यूस करने का माइलस्टोन भी बना लिया था। फिर इसके बाद हीरो होंडा CD100 का सक्सेसर आया 1994 में,
एज हमारी जानी मानी हीरो स्प्लेंडर के रूप में, जिसकी एक अलग डिफरेंट लेगेसी है जो आज तक इंडियन मार्केट में हमारे दिलों पर राज कर बैठी है। हीरो स्प्लेंडर की फुल हिस्ट्री लेगेसी वीडियो राइट हैंड साइड आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। बाकी इसके बाद जो इवोल्यूशन हुआ CD-100 का, वो कुछ अलग तरह से हुआ, जिसमें कुछ इसके डिजाइन के अकॉर्डिंग और कुछ सिर्फ नाम के अकॉर्डिंग। बाकी एक्चुअल सक्सेसर स्प्लेंडर को ही बताया जाता है CD-100 की, लेकिन हम दूसरी उन बाइक की बात भी करेंगे जो दुनिया आपको नहीं बताएगी, जैसे कि इसकी CD-100 के सेम डिजाइन के साथ हीरो होंडा ने 2001 में एक बाइक लॉन्च करी थी, हीरो होंडा जॉय, जो कि CD-100 से काफी मिलती जुलती थी, जिसमें ओल्ड CD-100 जैसी रेक्टेंगुलर हेडलैम्प तो नहीं थी बल्कि राउंड हेडलैम्प थी। बाकी काफी सिमिलैरिटीज थी उस बाइक के अंदर हीरो होंडा CD-100 से, और हीरो होंडा ने साइलेंटली स्प्लेंडर को थोड़ा अपर मॉडल में काउंट करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि एक लेवल ऊपर मॉडल में, जो कि एंट्री लेवल मॉडल नहीं हुआ करता था। बाकी CD प्रेफिक्स को एंट्री लेवल बाइक के लिए यूज करा गया, जैसे 2003 में लॉन्च हुई हीरो होंडा CD-DON, जिसमें वही सेम 100cc का आइकॉनिक इंजन रहा। उसके बाद 2005 में हीरो होंडा ने लॉन्च करी हीरो होंडा CD-DELUXE, जिसमें भी वही सेम इंजन था, और इसको भी कंपनी ने माइलेज को देखते हुए ही लॉन्च करा था इंडियन मार्केट के अंदर, और ये आज तक मार्केट में है। बहरहाल ये अब मार्केट में दूसरे नाम से बेची जाती है, जिसका नाम है हीरो HF-DELUXE। मे बी कॉपीराइट और ट्रेडमार्क इशू की वजह से इसके नेम को चेंज करा गया है, क्योंकि जब से 2011 में हीरो होंडा की पार्टनरशिप अलग हुई, जब से ही हीरो ने इसे HF-DELUXE बोला, और CD वर्ड का जो ट्रेडमार्क है वो होंडा का है, क्योंकि होंडा ने भी CD-110 ड्रीम जैसी बाइक मार्केट में निकाली। बाकी अगर हम बात करें लेजेंडरी हीरो होंडा CD-100 की, तो उसकी आज तक एक अलग पहचान है मार्केट में। उसी ने इंडियन बाइकिंग सीन को चेंज करा और उस आम आदमी का सपना पूरा करा 80s में, जो बाइक लेने की सोचता था। जैसे कि मारुति 800 को माना जाता है कार इंडस्ट्री के अंदर, वैसे ही टू व्हीलर्स में आप हीरो होंडा CD-100 को काउंट कर सकते हो, और इस बाइक ने इतिहास ही चेंज कर दिया। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये डिसकंटिन्यू कब हुई, तो मैं आपको यही बोलूंगा कभी नहीं, क्योंकि ये आज भी हीरो स्प्लेंडर और हीरो HF-DELUXE के रूप में हमारे देश में है, भले ही इसमें चेंजेस और एडवांसमेंट हो गई हैं। और हीरो होंडा की पार्टनरशिप टूटने के बाद बहुत चीजें चेंज भी हुई। लोग कहते हैं कि अब इंजन में वो बात नहीं रही, बिल्ड क्वालिटी डाउन हो गई एटसेट्रा, बट फिर भी कहीं ना कहीं CD-100 अभी भी इंडियन मार्केट में है, क्योंकि जब तक 100cc मॉडल है हीरो के, जब तक हीरो होंडा CD-100 जिंदा है हमारे दिलों में। तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। और आप में से सिर्फ 10% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करा है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 2 लाख सब्सक्राइबर के हम बहुत ही नजदीक हैं। एंड चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और हमें कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।